जानवी कपूर और अनन्या पांडे के बाद अब शनाया बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाने आ रही हैं। वो भी करण जौहर की बदौलत। शनाया के डेब्यू से लोग इतने खास खुश नहीं हैं जितने सारा जानवी के वक्त थे, जहां करण पर नेपोटिज्म का आरोप लगाया जा रहा है, वहीं शनाया को उनकी फिगर और फेस कट को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। करण जौहर ने जैसे ही इस बात की घोषणा की तो उनके साथ कई सोशल मीडिया यूजर्स ने शनाया कपूर को जमकर ट्रोल कर दिया। सोशल मीडिया यूजर्स ने शनाया कपूर की थ्रोबैक तस्वीरें साझा कर उन्हें ट्रोल किया। यूजर ने अपने ट्वीट में लिखा, होंठ ठीक करने, नाक और जॉ लाइन सुधारने से पहले शनाया कपूर। वहीं एक ने तो हद ही पार कर दी और लिखा, टेढ़ी मेढ़ी नाक, लंबा चेहरा और छोटी छोटी आंखें। एक यूजर ने अपने ट्वीट में लिखा, करण जौहर ने संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर की पहली फिल्म को लॉन्च करने का फैसला किया है और बॉलीवुड कहता है कि यहाँ कोई नेपोटिज्म नहीं है। एक ने लिखा, एक और टैलेंटलेस किड। वहीं एक यूजर बोला, एक और कपूर किड। दूसरे ने लिखा, करण के अलावा इसे और कोई पिक्चर देगा भी नहीं। वहीं एक बोला, ना शक्ल ना अकल। एक ने तो यहां तक लिखा, अनन्या की तरह नो एक्सप्रेशन और ना ही अच्छी एक्टिंग टैलेंट। बता दें कि शनाया ने जिन तस्वीरों को पोस्ट कर फैंस को अपने डेब्यू की खबर दी थी, उसमें से एक फोटो में उन्होंने बिकिनी पहनी थी, जिसकी कीमत में पूरी शादी की शॉपिंग कर सकते हैं। जी हाँ, शनाया की इस मामूली सी प्रिंटेड बिकिनी की कुल कीमत 90,000 रुपए है। बिकिनी वर्साचे ब्रांड की है। टॉप की कीमत 45,500 रुपए है और बॉटम की कीमत 36,300 रुपए है। यानी इस सिंपल सी बिकिनी में शनाया ने इतनी बड़ी रकम उड़ा दी। तो सोचिए, डेब्यू के बाद शनाया और क्या क्या करेंगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।